नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। लगातार आपको पब्लिक की सीधी बातचीत दिखा रहे हैं। हमारे साथ मोनिका जी हैं, जो डेरा सच्चा सौदा के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हैं। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है, क्या है असली सच। इनसे सीधी बातचीत आपको दिखाते हैं। मोनिका जी, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। कितने सालों से आ रहे हो आप डेरा सच्चा? 10 साल से आ रही हूं। 10 सालों से आ रही हूं। कैसा माहौल लगता है आपको? बहुत अच्छा माहौल लगता है यहाँ पे आके। बीइंग गर्ल, एक लड़की होने के नाते कैसा महसूस करते हो? बस बहुत ही खुला, जैसे यहाँ पे लड़कियाँ बढ़ती है, सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ जी, सुरक्षित महसूस करते हैं। कभी भी आपने ऐसा महसूस किया हो जैसा टीवी में दिखाया जा रहा था? नहीं, टीवी में तो मीडिया वाले बहुत गलत दिखा रहे हैं। जो आरोप गुरुजी के ऊपर लगाए जा रहे हैं, क्या लगता है आपको? सारे आरोप गलत है। गुरुजी है नहीं ऐसे जैसे दुनिया मानती है। सच क्या है फिर? गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर बहुत अच्छा है। उन्होंने किया क्या है समाज के लिए? उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है। वेश्यावृत्ति, किन्नरों शादी करवाई है और बुराइयां छुड़वाई है, नशे छुड़वाए हैं और सफाई अभियान चलाया है। क्या आज उनकी ज़रूरत है समाज को? हाँ जी, और समाज को उनकी बहुत ज़रूरत है आज। क्या कहना चाहोगे आप समाज के लोगों को जिन्होंने मीडिया के द्वारा गुरुजी को देखा है, मीडिया के द्वारा गुरुजी को जानते हैं? आप अपनी वीडियो के द्वारा क्या संदेश दोगे? भी सच क्या है? सच है यही है भाई, आज सच पिताजी नहीं है समाज में तो नशा बढ़ रहा है, वेश्यावृत्ति सब कुछ बढ़ रहा है, बुराइयाँ बढ़ती जा रही है। गुरुजी समाज में हो तो पहले जैसा ही सब हो। आप जो बोल रहे हो अपनी मर्जी से बोल रहे हो या किसी प्रभाव में, किसी दबाव में आप? नो, अपनी मर्जी से बोल रहे हैं। क्या अपील करोगे आप सरकार से संत जी के लिए? हाँ जी, क्या मांग करोगे आप संत जी के लिए सरकार से? हम तो यही मांग करेंगे भी हमारे पिताजी जल्दी से वापस आ जाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जो मांग है सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रेम सिंह जिंसा के लिए समाज के अंदर बढ़ती जा रही है। आप लोग भी खुले दिमाग से सोचिए आखिर सच क्या है, और अपनी रिकमेंड बॉक्स में जरूर डालिए। देखते रहिए द फैक्ट टाइम। बहुत